सो गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसा सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। अभी मैं हूँ रामनगर में और वैसे मैं मरचुला से आ रहा हूँ, लेकिन सुबह टाइम नहीं लगा क्योंकि बहुत बिजी चल रहा था सुबह के टाइम पे और थोड़ी जल्दी में भी था। तो अभी फिलहाल यहाँ चलते काशीपुर तक। काशीपुर मेरा काम है और आज का सफ़र दिखाते हैं आपको, वीडियो बने रहेगा लास्ट तक। बाकी रामनगर का मैंने आधा काम निपटा लिया है और थोड़ा बहुत घर का सामान वामान था जो मैंने फिनिश कर लिया है। आप यहाँ सीधे काशीपुर के लिए निकलेंगे, काशीपुर से फिर हमारा मान लेगा, उसके बाद फिर कौन आए। चलिए दोस्तों, अपना सफ़र यहाँ से स्टार्ट करते हैं सीधे काशीपुर के लिए। बाकी काशीपुर से थोड़ा दवाई वाई लानी, डॉक्टर के पास जाना है और बाकी कुछ काम बेसिक हैं वो भी निपटाने हैं। और ये ब्लॉग काफ़ी समय बाद आने वाला है तो आज तो मैं इसको बना रहा हूँ, लेकिन आएगा पता नहीं कब तक, ये तो मुझे भी नहीं पता, बट एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों मैं पहुँच चुका हूँ फिरमू द्वारा में और यह है फिरमू द्वारा की छोटी छोटी सी सड़कें, छोटे छोटे से दुकान। मार्केट कोई इतना बड़ा नहीं है, स्मॉल मार्केट है। चलिए दोस्तों पहुँच गए हैं काशीपुर। काशीपुर के सुंदर सुंदर सी गलियों से निकलते हैं और डॉक्टर के पास जाके अपना काम करवाते हैं। बाकी डॉक्टर वॉक्टर का काम है, काशीपुर में दो दिन काम करने हैं। फर्स्ट काम यही है, मेन काम यही है कि डॉक्टर के पास जाना है। ये देखो जी, काशीपुर घुसते देसी शराब की दुकान ठंडी है उपलब्ध है। मतलब भाई काशीपुर एंट्री करते ही फर्स्ट दुकान शराब की है यार, बर्बादी की हो रहा उत्तराखंड। रॉन्ग साइड से कोई भी साइड नहीं लेनी चाहिए, बट मजबूरी जब ऐसे बन जाए तो कौन क्या करे। तो फाइनली मैं पहुंच गया हूं डॉक्टर साहब के पास, अब फिलहाल चेकअप करवाते हैं और उसके बाद आपको आगे सफर दिखाते हैं आज का। अंदर ही चले जाते हैं कभी नहीं। पर्चा लगवा लेते हैं फिर। मैंने इसमें नाम डाला था कि नवीन, कॉल की थी मैंने उसे। एज 22। 22? 22? हम्म। लोकल से? हाँ। कॉन्टैक्ट नंबर? 93 98 30 27 18 180। कब तक आएंगे डॉक्टर साहब? चलिए जी, नंबर नंबर लगा लिया है, पर्चा भी मिल गया है। बाकी पहले और काम निपटा देते हैं इधर के, उसके बाद देखते हैं। दोस्तों नंबर भी लग गया था, कॉल कर ली थी ना पहले, इसलिए बस ये सुविधा है कि कॉल करने से नंबर लग जाता है। तो 22 नंबर है, अभी डॉक्टर साहब आएंगे तो 22 नंबर है मेरा। तो इंतज़ार करते हैं, फिर 10 मिनट इंतज़ार कर लेते हैं, उसके बाद फिर बाकी काम निपटाएंगे। बाकी ये है काशीपुर की भीड़ भाड़। आज सैटरडे की वजह से ज़्यादा उत्सुक तो है नहीं, क्योंकि और सैटरडे संडे तो बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, यहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहता है, बट अभी बहुत कम है। डॉक्टर साहब को भी दिखा लिया है और पर्चे देखो, दवाई देखो, ये कितने हैं टोटल? 1800-1900 की दवाई है भाई, बहुत खर्चा है यार। 1800 की तो खाली दवाई पड़ रही है, चलते हैं फिर क्या करना है। तो आप यहाँ से दवाई का पोटला लेके चलते हैं। दिक्कत भी यार, मैं बैग में ला रखा उसके अंदर उठा देते हैं और उसको सेफ तरीके से बेल्ट के नीचे ऐसे जाना पड़ेगा, क्या होगा फिर यार, बैग लाना भूल गया। सो यहाँ से निकलते हैं आप सीधे रामनगर के लिए। कोई दुकानदार कोई ज्वेलर्स को बहुत याद करता है यार, उस आदमी को दिखा देता हूँ यहाँ पे कहाँ पर है, थोड़ा आगे जाके है, एक ज्वेलर्स की दुकान है यहाँ पे,
एक हमारे भाई हैं, बहुत याद कर रहे हैं ज्वेलर्स की दुकान को, पता नहीं क्यों। यहाँ ये है कल्याण। तो यार दादा देख लो फिर यार ज्वेलर्स की दुकान अपनी, और जो भी अपनी यादें हैं यादें ताज़े कर लेना। तो फिलहाल चलते हैं यार यहाँ से फिर अंदर के लिए, गर्मी भी ठीक ठाक हो रही है इधर और भूख भी लग रही है, रामगढ़ जाके खाऊंगा। दोस्तों गाड़ी पर आ लग गई इधर, बहुत बड़ा एक्सीडेंट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कैसे हुआ ये तो पता नहीं, आग लग गई इसमें, धुआं आ रहा पूरी गाड़ी के अंदर से। लोग यहाँ पे करते हैं ये तरह की जगह पर लोग आ रहे हैं, वो आ रहे हैं घर लगे उनका। वो जो आगे से डाला ना इन्होंने वो सही डाला पानी ना, वो गया बुझ गए। इधर से आगे से ही मारो, हाँ आगे से मारो पानी, चलती गाड़ी पे लग गई क्या, चलती गाड़ी पे उसको भाई लोगों ने बचा दिया उसकी गाड़ी को पानी डाल डाल के, ये तो शायद ही बच पाती है अगर इतने लोग यहाँ पे इकट्ठे नहीं होते तो। हाँ आग लग गई, आग आग लग गई, आग आग लग गई, आग चलती गाड़ी में। चलो गाड़ी तो बच गई जितनी, हाँ जितनी लगी इतनी लग गई, तब ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आग बुझ चुकी है। भाई कभी कभी ऐसा होता है यार चलती गाड़ी में भी आग लग जाती भाई,
पहली बार देख रहा हूँ मैं तो। खैर मैंने प्रॉब्लम क्या हुई बट चलिए जी बहुत चुके हैं उमेश भाई के पास। राकेश साहब बोले चाहे वेलकम के गुड़ और दाऊ डबल जी निशन भाई उतार निशन एक रुपए ना मैं खल्ला आ मैं बाजू डबल छू उन्हें लेगी फिर के पेंट 20 लीटर पेंट छू फ्री में छू मैं पेंट है रो चल बैठ के तो सामान दिल बहुत बैठ गाड़ी ले जाए फिर थाऊ कैसे के माल है एटीएम अच्छा एटीएम के मिल जा रहा मोबाइल पे चल दो ना हां मोबाइल पे चल दो फिर ठीक छे कदी मिलू मैं एटीएम के मिल गई मैं तो पांडे जी पे सामान ले करूं पांडे जी पे सामान ले करूं पांडे जी नमस्कार ले 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 लेंगे वो पार्सल ले लेंगे हाँ यार ले लेंगे फिर यार ये ले लिया अभी कहाँ लिया यार अभी अरे बहुत दिख रहे हैं एक और होगा मिल गया फोन आ रहा है गोपाल का और कि नहीं 10 दिन तो बैठी हूँ 10 दिन मगर फोन कर दिया मैं तुमको एक बार काशीपुर आई एक बार में फोन कर ले हाँ ऐसी कर लो दोस्तों मॉल का काम भी हो गया हम निकलते हैं सीधे रिजॉर्ट के लिए और पाठक से मिल लेते हैं पाठक से मिल गए हैं सर जय हो कैसे हो बढ़िया है बड़े खतरनाक हो गए क्या कर रहे हैं यार कहाँ को ये क्या सिस्टम है मोबाइल का यार वीडियो वीडियो का अच्छा तुम्हें पूरे वो बन गए ब्लॉगर पूरा बनना पड़ता सर यार कहाँ को जा रहे हो अभी अभी रूम पे जा रहा हूँ चलो बाहर खाए हुए नया चलता हूँ नाना बस जाता हूँ काशीपुर तक गया था मैं काशीपुर तक गया था अभी आई रहा हूँ फिर भाग जाएंगे अरे ना तो क्यों अरे अरे फिर आएंगे कभी अभी मैं ज़्यादा रिजॉर्ट को जा रहा हूँ अरे कुछ नहीं बोलूँ अरे नहीं फिर आऊँगा कभी अभी मेरे साथ मिठा लगे दो तीन लोग भी मेरे साथ अभी और लोग फिर आऊँगा कभी आना फिर कहाँ आज कल धारचूला मरचूला कहीं कराओ बात है वाला चलो चलो ठीक है ठीक है ओके आओ जी परमानेंट कस्टमर ठहरे तुम आज के मेरे दोस्तों यहाँ से निकल चुके हैं फिलहाल मरचूला के लिए ये सामने सांबर डियर हुआ है बंदर भी है देखो अंदर वो भी है क्या हुआ गड्ढे बचाने के चक्कर में ऐसे ला रहा हूं एक गड्ढा बचाने के चक्कर में इतने गड्ढे खा रखे हैं इसने ये देख रहे हैं हां आप के सेट तो नहीं है कहीं तो
आयकर वाला आ गया आज अभी और उसको बता तो दिया तुमने हेमंत को कि आयकर वाले आए हैं पुलिस वाले अंदर जाके किचन में बोतल वोतल क्या देखे उसने उनको आरडी फाड़ी ले जाओ जीएम की और हेमंत की जीएम बिगड़ गया तुमने अंदर क्यों आने दिया मैंने कहा मैंने इंफॉर्मेशन दी थी कि पुलिस वाले आ रहे हैं बोला नहीं तुम जाओ नहीं टेस्ट चाहिए तुम जाओ क्या करना तो कौन से रिजॉर्ट में जा रहे हो तो घर जा रहा हूँ तुम्हारी तो लगी नौकरी है तुम्हें क्या है यहाँ से निकालता है वहाँ वहाँ से निकालता है वहाँ अच्छा पुलिस वाला आएंगे नहीं अब बता भी रहा हूँ कि आ गए हैं घर वो सारे गुस्सा मेरे ऊपर टिका रहा है कि तुमने क्यों आने दिया किसको पुलिस वाले को रोका जाता है तुमने अंदर तो बता दिया होगा हाँ तो बात खत्म की तुमने अंदर बता दिया तो पता नहीं कहाँ की रिपोर्ट निकाल रहा है क्या कर रहा है ठीक है यार नहीं करना है तुम और सही बात है क्यों जबरदस्ती थोड़ी है आयकर वो आयकर विभाग वाले नहीं होंगे वो होंगे वो फूड इंस्पेक्टर होंगे वो तो उसको किचन में नहीं बताया उसने फूड इंस्पेक्टर आ रखा करके बताया वो नहीं बताया उसको हेमंत को बताना था और वहाँ अब हेमंत ने बताया नहीं तो मेरी कमी तो खाली आई डी ले गया कि चलान उलान पड़ा है अभी तो आई डी लेकर नहीं चलान करेगा आई डी अभी तो ले गया अभी दिया नहीं है उन्होंने चलान अभी जो है उनका वो ले गया आई डी खाली ले गया अब चलान देंगे तो अब छोड़ेगा चार पाँच हज़ार रुपये तो लेगा देगा वो कह रहा है चार पाँच हज़ार चार पाँच बीस हज़ार से नीचे का नहीं बैठेगा वो अच्छा चार पाँच हज़ार को तो निपटा देता हो जाओ पैसे पकड़ो यार तुम्हारे तो चारों तरफ से पैसे आ रहे हैं आज और इधर से भी आ गए हैं मिठाई भी है मेरे हाँ मिठाई है तुम्हारे लिए एडवांस मिला नहीं मिला तुम्हें वहाँ से वहाँ पर तो लिखा है 500 रुपये से ज़्यादा एडवांस नहीं मिलेगा 29 और 30 तारीख में मिलेगा वो भी काटना है उसने कहा के लिए लेना ठहरा काटना तो हमारे सैलरी में से है ना तुम वो देख के रखे तो तुम्हारे लिए तो आ रखे हैं टिफिन विफिन आ रखे वहाँ हाँ तो रखे हैं खैर बाद में देगा फिर मैं तो अभी जा रहा हूँ घर से कहाँ जा रहा है इसी का कहीं नहीं जाता घर कहाँ तुम्हारा घर पर शर्ट टपा देखा नदी क्या होगा यार तराड़ अच्छा चल ठीक है तराड़ा वाले तो वैसे भी हरामी होते हैं इधर को तो आओ चलते हैं गाड़ी तो अंदर गाड़ी में तो जाओगे किस में जाओगे गाड़ी अपने आप आएगी बाबू बस आने वाली पीछे से चलो जाओ फिर जाओ यार वही मिलेगा तुमको पैसे फिर आ जाए वहाँ बोल रहा फिर हाँ ना यार क्या हो गया आए थे क्या ना यार कोई नुकसान तो नहीं हुआ क्या क्या लगेगा वो क्या क्या करवा रहे हो भाई प्रॉपर्टी में कितने का काय की वो जो किचन के आगे थी वो और किस पे हुआ बस तो ठीक है और बबई कितने का बेटा ये मान है 50,000 कह रहा ना तो कुछ नहीं आया चप्पल है स्लीपर है बाकी इसमें दवाई है हाँ तो तिलोक सर क्या बना रहे हो आज सर मैं आटा बना रहा हूँ सब्जी का बना रहा हूँ आज आलू बड़ी और कद्दू के कोफ्ते और आलू कोफ्ता मैं आटा गूंथ रहा हूँ अच्छा कितने टाइम से जॉब कर रहे हो तुम यहाँ पे मेरे को 3 साल हो गए यहाँ पे 3 महीने हो गए 3 साल नहीं हो रखे हाँ 3 साल के दे रही है तू
और आपको कितना टाइम हो गया यहाँ पे? यहाँ पे अभी मुझे हुए 15 दिन। तो सही लग रहा, मन लग रहा है? लग रहा है, पहली बार कर रहा ना होटल लाइन में। अच्छा सर, आपको कितने समय हो गया यहाँ पे जॉब करते करते? I don't know. करते हैं यहीं पे एंड, और मिलते हैं जल्द एक नई वीडियो में। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद भाई जो मेरे साथ बने रहते हो, क्योंकि मैं वीडियो तो नहीं डालता हूँ, नहीं कभी कभार ब्लॉग आता है, लेकिन फिर भी आप लोगों का प्यार बना हुआ है, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। बाकी सब कोई अगर सवाल हो तो पूछ सकता है कमेंट में, अगली वीडियो में सबका जवाब दे दूँगा।